पीपल फॉर एनिमल संगठन के लोग भी आ चुके हैं यहाँ पर। क्या हाल है भाई? ठीक है। निकाल लिया आप लोग? निकाल लिया ना? तो काफ़ी मेहनत की है, बिल्कुल काफ़ी मेहनत की है। सांड फंस गया था और ये लोग काफ़ी मशक्कत के बाद इसको निकाल पाए हैं। अच्छा मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ काफ़ी मेहनत की आपने फिर है? मैंने क्या सभी गौ सेवक ने ये पांचवी बार मेरे सामने गिरा, अभी एक हफ्ता पहले। ये तो अंदर घुस गया था कह रहे थे नाले के अंदर, अभी एक हफ्ता पहले भी घुसा। हाँ यहाँ पे अक्सर ऐसी दुर्घटना हो रही है। काफ़ी सारे गौरक्षक दल के बंदे उसमें गए हैं और मैडम जी ऐसे जाल लगा, लेकिन यहाँ पर जाल लगाना चाहिए, जाल लगाना चाहिए। जब यहाँ पे कोई हानि हो जाएगी, कोई बच्चा गिर जाएगा, कोई आदमी गिर जाएगा, जब कोई मर जाएगा ना, तब प्रशासन सुनेगी, उससे पहले कुछ नहीं सुनेगी। सही बात है। यहाँ पर महीने में दो बार गोवंश गिरते हैं, बिल्कुल आराम से दो बार क्या, तीन बार भी गिर जाए, चार बार भी गिर जाए, लोग परेशान होते हैं। आठवीं बार गिरा है ये सर। और अगर आप लोग नहीं आते, नहीं आते, नगर निगम तो आता नहीं है, फसल है तो उसकी तो जान चली जाती है। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। वो नहीं सुनते ना, क्रेन प्रोवाइड करवाते हैं हमें, ना जेसीबी प्रोवाइड करवाते हैं, ना कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। सही बात है, रस्से तक नहीं। सर जाल तो लगना अनिवार्य है। सही बात है, जाल लगना है, हमें बच्चा होता, इंसान होता, कोई भी होता। याद होगा फलाना चौक पे बच्चा गिरा था एयरपोर्ट रोड पे, उसकी बाउंड्री हो गई, जाली भी लग गई, बाउंड्री भी हो गई। सही बात, आठवीं बार नंदी गिर रहा, पांच बार हमारा कैसे? गायों की कद्र नहीं है, नंदी बाबा की सांडों की कद्र नहीं है। आप लोग यही चाहते हैं कि इसको बंद करवाया जाए। पानी नहीं, आप देख सकते हो सांड उठ खड़ा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। हिल गया, काफी मशक्कत के बाद इसको निकाला गया है, जान बचाई गई है। देखिए अभी देखिए भड़क सा रहा है, भड़केगा, पिछली बार भी ऐसे भड़का था सांड और कई लोगों को चोट भी आई थी, लेकिन इस बार इसको कंट्रोल में किया गया है। आप लोग देख रहे हैं सामने इको ग्रीन का ऑफिस है, भोजपुरी अवधि समाज धर्मशाला है, लेजर वैली पार्क है, यहीं पर सांड गिर गया था और इसको निकाल लिया गया। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।